प्रकाश अग्रवाल कहाँ के रहने वाले आगरा यूपी आगरा में कहाँ के कमला नगर आगरा में जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी पैरों में काफी सूजन थी हाँ और मेरी क्रिएटिन 3.5 करीब था हो गया था अच्छा हाँ और यूरिन में थोड़ी प्रॉब्लम थी हाँ ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था अच्छा और हाँ हाँ सुस्ती बहुत आती थी ठीक है तो ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए हैं सब आगरा में ही कराए हैं आगरा में ही कराए हैं ये वहाँ की फेमस लैब है काफी सारे काफी फेमस लैब तो आपके आसपास ही पड़ती है ये लैब हमारे घर के पास ही है अभी आपने जो लेटेस्ट कराया इसके अंदर क्रिएटिनिन कितना है अभी 2.4 आया था 2.4 आया बीपी अभी कंट्रोल चल रहा है आपका बिल्कुल कंट्रोल चल रहा है पहले बड़ा हुआ आ रहा था पहले बड़ा हुआ अभी 2.4 ये वाला टेस्ट भी आपने सेम आगरा से ही कराया स्वेलिंग वगैरह है बॉडी में बिल्कुल नहीं है नहीं शुगर कैसे है अभी है शुगर भी नॉर्मल सी कंट्रोल चलती है कंट्रोल है बहुत अच्छी बात है तो पहले से और अब मैं स्वस्थ महसूस हो रहा है बहुत फर्क है ये इनकी रिपोर्ट्स हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब है ये आगरा में है और इन्होंने अपने आस पास से रिपोर्ट्स कराई हैं क्रिएटिनिन इसके अंदर इनका है 3.5 इज द क्रिएटिनिन लेवल प्रेम प्रकाश जयपुर हाउस में पड़ता है ये 3.5 है ये क्रिएटिनिन इसके बाद इन्होंने अभी एक रीसेंट कराया है ये रिपोर्ट है 5 अगस्त 2018 की 2.42 क्रिएटिनिन है इसके अंदर 2.42 तो ना केवल क्रिएटिनिन के अंदर रिड्यूस हुआ है बल्कि सारी चीज़ों में इनको इम्प्रूवमेंट और चेंजेस विजिबल हुए चाहे वो क्रिएटिनिन है यूरिया है सोडियम है पोटेशियम है क्लोराइड है स्वेलिंग वगैरह थी पेडल ओडिमा जिसे कहते हैं पैरों का फूलना वो भी अब एबसेंट है ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा था जिस वजह से क्रिएटिनिन जो था वो अपर ट्रेंड में चल रहा था अब ऐसा भी कुछ नहीं है बीपी कंट्रोल हो गया है इनका तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है विदाउट किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस किस प्रकार से पॉसिबल है वो आज आपके सामने किडनी ट्रीटमेंट नेचुरली किस प्रकार से पॉसिबल है और क्रोनिक किडनी डिजीज ट्रीटमेंट किस प्रकार से पॉसिबल है उसके लिए एक और उदाहरण आज हमने सेट करा प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी जो आगरा के पेशेंट हैं और आगरा से ही इन्होंने रिपोर्ट्स कराई हैं ना केवल फिजिकल लेवल पर बल्कि रिपोर्ट्स के अंदर भी किस किस प्रकार से चेंजेस हैं वो प्रत्यक्ष आपके सामने है स्टॉप किडनी डायलिसिस So friends, if you still have any doubts, any queries regarding kidney failure and its treatment, please comment on the box below the video and please share your feedback. Do not forget to like and share this video and subscribe to the YouTube channel Karma Ayurveda. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं. हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034 हमारे फोन नंबर हैं 0987171205 0114264 4274 हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं